हेलो गाइस, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं मोटर फ्यूल। और आज अपन जो है कैसा कंपैरिजन करने वाले हैं जिसमें जो है दो कम्प्लीटली डिफरेंट व्हीकल सेम ब्रांड की तरफ से आते हैं और अपन जो वेरिएंट देखने वाले हैं ना इसमें आपको लगभग सिमिलर प्राइसिंग जो है देखने को मिलेगी। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा वर्सेस मारुति सुजुकी जिम्नी। और जो अपन वेरिएंट देखने वाले हैं ग्रैंड विटारा का, वो है भाई जेटा का स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। और जो जिम्नी का वेरिएंट है ये भाई अल्फा, जो कि आपको ड्यूल टोन के साथ देखने को मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे, पेट्रोल इंजन देखने को मिलेंगे। और ग्रैंड विटारा की जेटा स्मार्ट हाइब्रिड की प्राइसिंग है 13.91 लाख रुपीज एक्स शोरूम, और मारुति सुजुकी जिम्नी अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन ड्यूल टोन की प्राइसिंग है एक्स शोरूम 13.85 लाख। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है ऑन रोड आते आते और आपको सिमिलर प्राइसिंग देखने को मिलेगी। तो भाई सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है दोनों ही गाड़ियों में वो है भाई इनके चेसी में और फील और फीडबैक में। जी हाँ गाइस, ग्रैंड विटारा आती है भाई मोनोकॉक चेसी के साथ, और जो वेरिएंट अपन देख रहे हैं ये जो है फ्रंट व्हील ड्राइव है, वैसे ऑल व्हील ड्राइव भी इसको आपके ऊपर वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन मारुति सुजुकी जिम्नी में आपको मिलता है लैडर फ्रेम चेसी, लैडर ऑन फ्रेम है, और यहाँ पर आपको जो है रियर व्हील ड्राइव हमेशा पावर मिलेगा। लेकिन अगर आप जो चाहें 4x4 का भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंशियल लॉक वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई जिम्नी जो है प्रॉपर ऑफ रोडर है, लेकिन मेरे को ये ऑन रोड में भी काफ़ी अच्छी लगी। जब फर्स्ट टाइम मैंने ड्राइव किया था तो मेरे को वो जो स्कॉर्पियो मेरे फील आता है ना लेडर फ्रेम में हिलता डुलता, या थार में जो फील आता है वो देखो मेरे को जिम्नी में नहीं लगा, मेरे को काफ़ी बेटर लगी ऑन रोड के हिसाब से भी। अगर आप जो है लेडर फ्रेम एसयूवी से इसको कंपेयर करते हैं, अगर आप जो है ग्रैंड विटारा से इसको कंपेयर करेंगे तो भाई ग्रैंड विटारा काफ़ी ज़्यादा केपेबल है ऑन रोड पे। इसमें आप जो है काफ़ी हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने बहुत इन्जॉय किया था इसको फर्स्ट टाइम में ड्राइव किया था, तो अगर आपको पावरफुल इंजन इसमें थोड़ा सा और मिल जाता तो काफ़ी फन टू ड्राइव ये व्हीकल बन जाता है। तो ये हो गए भाई इनके नेचर। अब अपन देख लेते हैं इनके इंजन्स। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है जो मैक्सिमम लोग नहीं बता रहे हैं। जो जिम्नी है इसमें आपको मिलता है K15B इंजन, और जो ग्रैंड विटारा है इसमें आपको मिलता है K15C इंजन। अब दोनों में डिफरेंसेस है, जो बी है इनका पुराना वाला है, जो सी है इनका नया है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट देखने को मिलती है, स्लिक शिफ्टिंग देखने को मिलती है, माइलेज भी बेटर मिलता है। तो हर तरीके से थोड़ा सा K15C बेटर है, लेकिन ऑलरेडी जो है कॉम्पिटिशन में मारुति अहेड है, तो K15B में भी आपको जो है कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन ग्रैंड विटारा में एक और बेनिफिट है कि भाई ये प्लस माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, मतलब यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रिक का भी जो है थोड़ा सा तड़का देखने को मिलेगा, जिसकी कैपेबिलिटी आपको जो है माइलेज में देखने को मिलेगी। बहुत बेहतरीन माइलेज देती है। फर्स्ट टाइम मैंने जब ड्राइव करी थी मैंने 18-19 का माइलेज इसमें आराम से निकाल लिया था। और उसके बाद अगर आप जो है पावर फिगर्स की बात करें तो भाई ग्रैंड विटारा में आपको मिलता है 102 bhp 136 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और जिम्नी में आपको मिलता है 103 bhp 134 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो ऑन पेपर तो काफ़ी सिमिलर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जिम्नी की फर्स्ट टाइम में भाई 11-12 का माइलेज ये दे रही थी। अभी अच्छी लंबी चली हुई भाई जिम्नी, जब मैं ड्राइव करूँगा तो आपको जो है बेटर बता पाऊँगा, लेकिन माइलेज में ग्रैंड विटारा और जिम्नी का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ट्रांसमिशन भी आपको सिमिलर देखने को मिलता है, दोनों ही गाड़ियों में 5 स्पीड का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, लेकिन जो ग्रैंड विटारा में मैंने यूज़ किया था वो थोड़ा सा स्मूथ मेरे को फील हो रहा था, जिम्नी में थोड़ा सा हार्श है। तो भाई वो गाड़ी की जो टफनेस है उसके साथ मैच भी कर जाता, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही गाड़ियाँ BS6 फेज 2 को सपोर्ट करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है भाई इनकी डायमेंशंस। तो यहाँ भी आप देखिए कंपैरिजन में, अगर आप जो हाइट को छोड़ देते तो हर चीज़ में आपको जो है ग्रैंड विटारा बेटर लगेगी, क्योंकि सच में बेटर है, स्पेशली रियर सीट में बहुत मेजर डिफरेंस है। ग्रैंड विटारा को पहले छोटा बोल रहे थे जब क्रेटा सेल्टोस वगैरह से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अगर आप जो है जिम्नी से कंपेयर करते तो वो काफ़ी बड़ी आपको फील होगी। स्पेशली अगर आपकी हाइट वगैरह ज़्यादा है तो आपको जिम्नी में उतना अच्छा थाई सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन ग्रैंड विटारा में उससे काफ़ी बेटर आपको स्पेस मिल जाएगा। हाइट की बात करें तो भाई जिम्नी में बेटर है, क्योंकि बॉक्सी शेप है, रगेड SUV उसका डिज़ाइन है, तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ी विजिबिलिटी बेटर मिल सकती है। ग्राउंड क्लीयरेंस आपको सिमिलर 210 mm की इन दोनों ही गाड़ियों में ऑफर करी गई है। बॉडी वेट की बात करें तो यहाँ भी बहुत सिमिलरिटीज़ है, जिम्नी को लाइट वेट कहा जा रहा है, लेकिन कोई इसको ग्रैंड विटारा से कंपेयर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्रैंड विटारा में आप देखिए 1173 kg का कव वेट है, और जो जिम्नी है यहाँ पे 1200 kg का कव वेट है। तो ग्रैंड विटारा जो थोड़ी सी हैवी लुकिंग लगती थी
वो भी भाई काफ़ी अंडरवेट है अपने कंपटीशन के हिसाब से। उसके बाद बूट स्पेस की बात करें तो भाई ग्रैंड विटारा में आपको 373 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है और जिमनी में आपको जो है 208 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी में ग्रैंड विटारा 45 लीटर्स ऑफर करती है, जिमनी जो है आपको 40 लीटर्स का जो है टैंक ऑफर करती है। ब्रेकिंग में दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क मिलेगी, लेकिन ग्रैंड विटारा में आपको रियर डिस्क ऑफर करा गया है। जिमनी में आपको जो है ड्रम देखने को मिलता है और मिनिमम टर्निंग रेडियस में भी आपको जो है ग्रैंड विटारा 5.4 मीटर पर टर्न हो जाएगी, जो कि जिमनी है ये 5.7 मीटर में टर्न हो जाएगी। स्टीयरिंग दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिक देखने को मिलेगा, दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। स्पेयर व्हील जो है स्टील ऑफर करा गया है, लेकिन अगर आप जो है टायर साइजेस की बात करें तो आपको जो है ग्रैंड विटारा में 215/60R17 यानी 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको ऑफर कर गए, और जो जिमनी है इसमें 195/80R15 जो कि काफ़ी छोटे व्हील्स हैं वो आपको जिमनी में देखने को मिलेंगे। लेकिन आप जो है जिमनी में काफ़ी हैवी मॉडिफिकेशन लगा सकते हैं, स्पेसर वगैरह जो है लगा सकते हैं, स्प्रिंग चेंज कर सकते हैं, सस्पेंशन का हाइट सेटअप चेंज कर सकते हैं, बड़े बड़े अलॉय व्हील्स टायर सब कुछ लगा सकते हैं भाई, लैडर फ्रेम है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे आपको जो है मेजर मॉडिफिकेशन ऑप्शन जो है टायर्स में देखने को मिल जाएगा, और आप जो है टायर्स को चेंज कराना भी चाहिए, बहुत भद्दे लगते हैं, बहुत ही छोटे टायर जो है इसमें दे दिए गए हैं। अब आ जाते हैं भाई सेफ्टी में, दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है 80 किलोमीटर पर आवर पे 1 बीप मिल जाएगा और कंटिन्यूस बीप 120 किलोमीटर पर आवर पे मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है 6 एयरबैग्स ऑफर करेगा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को जिमनी में। उसके बाद जो है भाई इस वेरियंट में आपको जो है ग्रैंड विटारा में TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मिसिंग रहेगा, जो कि आपको जिमनी में देखने को मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें भाई, दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है ABS EBD ऑफर करा गया है, लेकिन जो BA है वो ग्रैंड विटारा मिसिंग रहता है, जिमनी में मिल जाता है। ESP आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। फोर व्हील ड्राइव ऑब्वियसली आपको जिमनी में ऑफर करा गया है, हिल होल्ड असिस्ट आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको जिमनी में मिलेगा, और LSD भी जो है आपको जिमनी में मिलेगा, जो कि ग्रैंड विटारा में मिसिंग रहता है। तो ये काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपन लॉकिंग सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स देखने को मिल जाते हैं, और सेंटर लॉकिंग में आपको दोनों ही गाड़ियों में कीलेस देखने को मिल जाता है। अब आते हैं भाई इंटीरियर में, तो यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, एंटी ग्लेयर गियर दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल देखने को मिलते हैं, दोनों ही गाड़ियों में आपको रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर, क्रूज कंट्रोल, स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सब जो है देखने को मिल जाएगा। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट में ग्रैंड विटारा में आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों ऑफर करा गया है, लेकिन जिमनी में आपको सिर्फ टिल्ट देखने को मिलता है। अब भाई कनेक्टिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जिमनी सब कुछ ही मिस कर जाती, क्योंकि इसमें है ही नहीं। तो भाई फाइंड माय कार, चेक व्हीकल स्टेटस, जियो फेंसिंग, एमरजेंसी कॉल, रिमोट AC ऑन ऑफ, रिमोट कार लॉक अनलॉक, ये सब कुछ आपको जो है भाई ग्रैंड विटारा में देखने को मिल जाएगा। सीट्स की बात करूँ तो भाई ग्रैंड विटारा में आपको हाइट एडजस्टेबल भी ऑफर करा गया है, जो कि जिमनी में मिसिंग रहता है। अदर फीचर्स अगर आप डोर विंडोज वगैरह वाइपर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है वन टच डाउन, वन टच अप, ड्राइवर साइड जो है पावर विंडो में देखने को मिल जाएगा। ORVM इसमें एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर और ORVM जो है आपको ग्रैंड विटारा में मिलेगा, क्योंकि जिमनी में आपको जो है बॉडी पे देखने को मिलता है। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। दोनों ही गाड़ियां एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली सपोर्ट करती है। 9 इंचेस का टच स्क्रीन आपको देखने को मिलता है। 6 स्पीकर्स आपको ग्रैंड विटारा मिल जाएंगे, 4 स्पीकर्स आपको जिमनी में मिल जाएंगे। वॉइस कमांड्स जो है ग्रैंड विटारा सपोर्ट करती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है। बाकी ब्लूटूथ जैसी कैपेबिलिटी सारी देखने को मिल जाती है। अब फाइनली बात करते हैं भाई वारंटीज़ की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिलेगी और 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी देते हैं। तो भाई आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो है सिटी टू सिटी हाईवे ड्राइव्स करना है तो ग्रैंड विटारा आँख बंद करके ले लीजिए भाई, 20 प्लस माइलेज ये देगी अगर आप अच्छे से इसको ड्राइव करेंगे तो। जिमनी दूसरी तरफ भाई, अगर आप जो है थोड़ा सा रूरल एरियाज़ में रहते हैं या पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यूस ऑफ रोडिंग मिलते रहती है, तो भाई जिमनी बहुत ही तगड़ा पैकेज है। स्पेशली पेट्रोल इंजन में अगर आप जो है थार को भी प्रेफर कर रहे थे तो आई थिंक जिमनी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी जगह से आसानी से निकल जाएगी। फर्स्ट ड्राइव में मेरे को इंप्रेशन आया कि भाई इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है इसका साइज़, जिसके लिए इसका मजाक बना रहे ना, ये सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसका होने वाला है। ये दोनों ही काफ़ी बढ़िया फैमिली कार है, बस आप कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।